कमाल है यार, छोटी छोटी बात पे चढ़ना शुरू कर देती है, कोई भी बात हो जाए तो। हेलो, हाँ संदूक, हाँ ठीक है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। नहीं यार, तेरी भाभी से झगड़ा हो गया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया यार। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है। मैं तेरे यार तेरे घर पे कैसे आ जाऊँ, ऐसे कच्छा बनियान पहना हुआ मैंने यार। हाँ मत आ! यार बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए, खाम खा का स्यापा है जान को। तरस गई थी मैडम, तरस गई थी मैडम, तरस गई थी। मैं नहीं, आप नहीं मैडम, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। और मैडम मेरे गाल मेरे गोरे गोरे प्यारे प्यारे गाल आपका रैप्टा खाने के लिए तरस गए थे मैडम। प्लीज प्लीज मैडम, एक बार बस एक बार मेरे गोरे गोरे गोल गोल गालों पे रैप्टा लगा दीजिए मैडम, प्लीज लगा दीजिए, प्लीज प्लीज। मैडम आप सोच नहीं सकती कि आज मेरे गालों को कितना सुकून मिला है। अबे जो कसा इतना ही दर्शन अभिलाषी रैप्टा प्यासी हो रहा है तू, तो क्यों लगवाई अपनी ड्यूटी उन्नाव में? वो तो मैडम आपको पता है ना कि समोसे मेरी कमजोरी है, और वो उन्नाव के पास जो नवाबगंज है वहाँ के समोसे, ओहो वाह 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 वाह। लेकिन मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका रैप्टा जो है वो मेरे गाल के लिए वैसा ही है जैसे समोसे में आलू, जैसे जंगल में भालू, जैसे बिहार में पता है मन्ने आगे का, मैं समझ गई। ओ बिल्लू, बिल्लू मेरे दोस्त कैसा है यार? नफरत करता हूँ मैं, नफरत करता हूँ तुमसे सुनीता। गोड़ दे, खुद की तो है ही नहीं, डिपार्टमेंट की गोड़ दे, इज्जत रेता में मिला दे। शर्म नहीं आ रही, सकल सांडजी है। वेल मॉम, मैं नहीं हूँ सांड इसदा, मेरे साथ हो गया वही कांड इसदा। मॉम मेरे होटल पर कोई लिपस्टिक लगा के भाग गया जी। क्या भैया, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छिपाई कि आप रात को ऑटो चलाते? Well, bro, मेरी बात तो सुनो यार तुम। एक मिनट, क्या कह रहा है बिल्लू? मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार गोपी, तू और ऑटो। यार मेरी बात बीच में मत काटो, मैं ऑटो वाटो नहीं चलाता हूँ। लेकिन लिपस्टिक तो ऑटो वाले के ही लग रही है ना रात को। अरे शांत रहो ना यार तुम दोनों, एक मिनट। हाँ तू बोल गोपी। Well, mom, बात ये हुई जी, रात मेरी बीवी ने कहा डार्लिंग सुनो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप बाहर जाके आराम से सो जाओ, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा।
वाइफ ने लात मार के निकाल दिया, रात घर में सोने नहीं दिया। या दिस वन। वेल मॉम, हमारे घर के बाहर ना जी एक ऑटो स्टैंड है जी। जब भी मेरी बीवी से मेरा झगड़ा होता है ना जी, मैं ना ऑटो में जाके सो जाता हूँ जी। रात जब मैं सो रहा था ना जी, कोई मेरे होटो पे जी लिपस्टिक लगा के भाग गया जी। और ये अब छूट नहीं रही है जी, बहुत रगड़े मैंने होट जी। ये अच्छा हुआ क्योंकि ये जो घटना थारे साथ हुई है वही हमारे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई होगी, और ये जो कोई भी है जल्द पकड़ा जाएगा। मेहरबान कदरदान सर्कस में आए मेहमान, आप सबका स्वागत करूं छू हूं छू सोना, मेकअप करने दो ना इंटरवेल में। ओ सोना चांदी ना, यो बेनिटी बैन हो रही ग्रीन रूम हो रहा, जो मेकअप करने दो ना। क्यों हो तुम दोनों? मैडम हूं छू भरत, हार गया शरत, सर्कस हाउसफुल से। तो यहाँ के बेचने आया पॉपकॉर्न? नहीं मैडम, मैडम मैं एक सर्कस चलाता हूँ, उसका मैं मैनेजर हूँ, और ये ने मेरे सर्कस की होस्ट है, इसका नाम है सोना। अरे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, पुलिस वैसी परेशान चल रही है और मत तपाओ। मैडम कुलभूषण खो गया छे इंटरवेल में। इंटरवेल में बालक को क्यों इधर उधर डोलने दिया अकेले? मैडम वो बच्चा नहीं, मेकअप मैन छे, मेकअप मैन। एक मिनट मैडम, मैं इस केस को हैंडल करता हूँ, मैं करता हूँ। मैडम अदालत के सामने मेरी ये फाजिल दोस्तनी ये कहना चाह रही हैं कि इनके सर्कस में एक मेकअप मैन है जिसका नाम है कुलभूषण, वो खो गया है। हाँ मैडम, वो हर एक घंटे में मेरा मेकअप करता था, अब मेरा मेकअप मुझे ही करना पड़ रहा है। मैडम कैसे भी करके कुलभूषण को ढूंढ निकालिए प्लीज। ये कब से खोए हैं कुल जी? मैडम 3 दिन हो गया सर्कस हाउसफुल से। अबे कुलभूषण 3 दिन से खोया है और तुम ई बार हो रपट लिखाने? मैडम हम आए थे और मैंने कहा भी था, लेकिन ये जो सामने खड़े दादाजी है ना लिपस्टिक लगा के, इन्होंने हमें भगा दिया। मॉम इन्होंने तो कहा था जी इनका बंदर खो गया जी। तो अब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि मेरा गधा खो गया है? एक मिनट यार, कंफ्यूज मत करो, बंदर खोया है या गधा खोया है? बंदर खोया है। तो गधा किसका खोया है? लेकिन गधा तो खोया ही नहीं है। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि गधा नहीं खोया है? क्योंकि बंदर खोया है। तो कुलभूषण नहीं खोया है? कुलभूषण ही तो खोया है। लेकिन इन्होंने तो कहा कि बंदर खोया है। हाँ कुलभूषण ही तो वो है। क्या है, गधा? अरे बंदर है। अरे तो गधा कौन है? गधे तुम तीनों हो। अबे इनका बंदर खोया है जिसका नाम कुलभूषण है और वो मेकअप कर। इनका बंदर खोया है 3 दिन से, जो मेकअप करना जानता है, और 3 दिन से ही ये लिपस्टिक लगाने वाली घटनाएं हो रही हैं। अच्छा सुनो भाई सर्कस, ऐसा है कि तुम्हारा बंदर हम ढूंढते हैं, जैसी मिल जाएगा तुम्हारी गोद में ला दे देंगे। ओके अभी चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। गोपी बिल्लू। हाँ जी जी मम्मी जी। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगाओ तुरंत। ओके आए। सकल वैसी कबाड़ी सी है तू, और बेच ले यहाँ बंगार। वाओ। हसलो हसलो। ओ बिल्लू। चल हट। हाँ भाई। आए। हो गया रेडी है? रेडी मैडम, रेडी है एकदम। हाँ तो चला ना यार, रेडी है बताने से क्या होता है। रेडी है चलाओ। Oh yeah,
सॉरी मैडम, ये पर्सनल है। तो फिर काहे का रेडी है? सीसीटीवी फुटेज मैडम। ओह माय गॉड, ये तो मैं हूं। बंदर मुझे लिपस्टिक लगा रहा है। हाँ। मतलब मैडम आपका शक सही निकला, ये तो वही सर्कस का बंदर है जिसे मेकअप करना आता है। इस बंदर को पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि ऑटो वालों में ज्यादा आतंक फैल जाए। अरे मैडम, ये बंदर है, कोई बकरी नहीं है कि यूं दौड़े और पकड़ लिए। मैडम बंदर है ना, तो वो इतना कूदता फांदता है, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? मतलब आसान नहीं है। हाँ, बंदर पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन गोली चलाना काफी आसान से, स्पेशली अगर एक समोसा रूपी आदमी पे चलानी हो तो। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटारी पटर पटारी आइडिया आ रहा है। तो कटारी ने युज में लाऊं फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। गोपी बिल्लू। हाँ जी जी मम्मी जी। तुम बनोगे ऑटो वाले ताकि वो बंदर लिपस्टिक लगाने को रीझे। ये हमारे पूर्वज हैं। हाँ कुछ लोगों को देख के जाहिर है। हेलो मंकी, कम डाउन। यो यो मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अलची पलची टोटल नकलची एडिया आ रहा है। मैडम ये जो बंदर होते ना, ये मंकीज, ये इनकी जो प्रजाति है ये काफी नकलची टाइप की होती है, कॉपी कैट। मैडम तो मैडम अगर इसके बगल में, मतलब इसके सामने अगर कोई ऐसे ऊंचे हाइट से कूदेगा ना नीचे, तो ये भी कूदेगा मैडम, गारंटी कूदेगा ही कूदेगा। गुड आइडिया गुलगुले, तो इब खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल मतलब बो रही ऊंची जगह और कूद वहां से। मैं कैसे मैडम, मैं वो क्यों लग रहा है? प्रॉब्लम वहां से कूदेगा, बाउंस ही हो जाएगा जहां से ज्यादा गिर गया तो। चल चल चल। हां घबराइए मत ना गुलगुले जी, हम लोग आपको कैच कर लेंगे अगर आप गिरे तो। या पक्का साइड? या ओके ठीक है चलो। रेडी भैया? रेडी जोर से पकड़ ले। रेडी हो ना तुम लोग? हां बिल्कुल रेडी है एकदम।
हाँ हाँ ए बंदर, पहले मैं कूदूंगा फिर तू कूदना, ओके? कुछ भी सोचो मत गुलगुले जी, आप कूद जाओ बस। के रेडी? सॉरी गुलगुले जी, ज्यादा जोर से नहीं। ज्यादा जोर से लगी, कोई नहीं। आइटम गर्ल, कैसी लगी? इससे शादी कर ले, बात चला दू थारी। अबे अच्छे घर की है, आजा आजा। अरे यो देख यो वाली, क्या बोलता है? आजा आजा। हैं? भाई बांदरी हो तो ऐसी हो। गुलगुले जी, ये मैं बंदर के लिए लाया था। कैसी बात है? इंसानियत भी कोई चीज होती है गुलगुले जी। एक मासूम बंदर सुबह से भूखा बैठा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है कि उसको कुछ खिला दे। उसमें भी जान है। अरे यार छोड़ना उसको, तो बढ़िया सा रोमांटिक गाना लगा रहा। टन 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 वही लगा रहा हूँ यार, चल नहीं रहा ठीक से। आई 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 ए कुलभूषण, आया बच्चा छोड़ी दे, लोगों ने लोगों मानस से कम 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 बेबी कम अल्ले अल्ले अल्ले। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम लोग खुश हो? तुम्हारा बांदर मिल गया। थैंक यू वेरी मच मैडम। हो आपने आखिर में ना हमारे सर्कस का बंदर ढूंढकर दे ही दिया, सर्कस हाउसफुल से। चलो ये लेके जाओ, और इस बार ना खो जाए। इस बार जो खो गया तुम्हारे सर्कस से बांदर, मैं तुम दोनों ने ठूस दूंगी जेल में। नहीं नहीं मैडम, मैं ना अभी लाइफ टाइम तक ये बंदर को मेरे सर्कस में संभाल के रखूंगा, क्योंकि सर्कस हाउसफुल छे। बाय।
चलो भाई अच्छा है, केस सॉल्व हुआ है ना, इबाटो वाले चैन से सो सकेंगे।